Moushree here and welcome back. तो आज की जो वीडियो है उससे मैं शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 प्रोडक्ट्स विच आर मस्ट बाई फ्रॉम डाइसो स्टोर. इफ़ यू डोंट नो अबाउट डाइसो, डाइसो इज़ ए जैपनीज ब्रांड और वर्ल्ड वाइड उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं. तो इट्स लाइक अ डॉलर स्टोर इन US. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है और वो भी एक फिक्स्ड फ्लैट रेट पे. जैसे कि मलेशिया में डाइसो के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं 5 ringgit 90 cent प्राइस में. तो इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. तो यस, सो मैं दिखाने वाली हूँ मेरा जो 10 फेवरेट प्रोडक्ट्स है डाइसो की. मैं जब भी डाइसो जाती हूँ तो उनमें से कुछ ना कुछ मुझे जो भी चाहिए होता है मैं खरीदती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट वन विच आई हैव टू मेंशन इज देयर क्रॉकरी यूनिट, नॉट यूनिट, क्रॉकरीज जो भी है उन लोगों के पास, बर्तन वगैरह सेरामिक के, तो वो सब कुछ. और फिर जो कटलरी मिलते हैं उन लोगों का, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है. अच्छे होते हैं और उन सबका प्राइस इज लाइक 5 ringgit 90 cent. जो भी, मतलब ऐसे कि जैसे उन लोगों का जो पास जो स्पून्स वगैरह मिलते हैं वो 4 के सेट पे या फिर 2 के सेट पे ऐसे मिलते हैं. तो आई थिंक 5 ringgit 90 cent के हिसाब से ये ठीक ठाक प्राइस है उन सबका. तो ये मैं स्पून्स वगैरह, ग्लासेस, बोल्स वहाँ से खरीदती हूँ. जैसे कि मेरे पास है ये बोल्स, दिस ईच इज 5 ringgit 90 cent. और फिर मेरे पास बहुत सारे ग्लासेस हैं, जैसे कि मैं इसमें से 2 दिखा रही हूँ, ये वाइन ग्लासेस. और भी बहुत सारे ग्लासेस हैं और उन लोगों के पास बहुत सारे वैरायटी भी है. जो भी ग्लासेस आपको चाहिए, सिपर जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएंगे. और भी बहुत सारी चीज़, मैं एक्चुअली कल गई थी तो कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ, वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ. और भी मैं 2 सेरामिक के बोल लेके आई हूँ. दिस प्लेन वाइट बोल्स, मुझे वाइट बोल्स काफ़ी अच्छे, वाइट जो कट वाइट वाला जो मिलते हैं चीज़ें, मुझे वो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने का. खाना अगर, मतलब आप जो सर्व कर रहे हैं वाइट प्लेट्स में या फिर बोल में अगर आप सर्व करें तो उसका जो खाने का कलर है वो बहुत निखार के आता है. तो यस, दिस 2 वाइट बोल्स मैंने कल ही खरीदी है. तो ये सारी चीज़ें, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. So the next thing is their stationery. ह्यूज रेंज ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उन लोग के पास है. आपके पास अगर बेबी है या फिर आपको कुछ ख़रीदना है बच्चों के लिए या फिर आप DIY खुद करना बहुत पसंद करते हैं तो बहुत सारे क्यूट क्यूट स्टेशनरीज वहाँ पे मिल जाएंगे. थिंग विच आई मोस्टली प्रेफर टू बाई इज फ्रॉम देयर इज देयर किचन के जो रिलेटेड थिंग्स है, बहुत ही सारे इनोवेटिव कटर्स वगैरह और फिर कुछ भी किचन रिलेटेड बहुत सारे उन लोगों के पास इनोवेटिव और क्यूट क्यूट स्टेप्स होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है. मैंने लेके आई हूँ ये एक सेपरेटर. लाइक योक को अगर अलग करना है, बहुत बार होता है ना बेकिंग के टाइम पे या फिर कुछ पैक बनाना हो, बहुत सारे हेयर पैक होते हैं जिसमें सिर्फ एक वाइट यूज करने होते हैं, तो ये योक को अलग करने के लिए ये है एक सेपरेटर. ये मैं कल लेके आई हूँ. एंड फिर दिस इज एक कटर.
यूज़ करके हम सैंडविच बनाने के टाइम पे एप्पल कटर देन मैंगो कटर बहुत सारे वहाँ पे कटर्स मिल जाते हैं और ये बेसिकली मुझे एक कटर चाहिए होता है क्योंकि मैं जब भी नाइफ से कट करती हूँ ना हमेशा इक्वल नहीं होता है कभी कभी ये होता है कि वो नाइफ ज़्यादा वो शार्प नहीं होता है तो तब इक्वली कट नहीं होता है तो तब के टाइम पे ये ऐसे कटर्स बहुत अच्छे काम में आते हैं. एंड नेक्स्ट आई बॉट दिस वन, दिस इज पॉट होल्डर. ये सिलिकॉन का है और भी ऐसे बहुत सारे मतलब डिफरेंट कलर्स में भी है. मुझे ये ऑरेंज कलर बहुत पसंद आया तो मैंने लिया. और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट होल्डर था, लोग पर स्टील का भी है जो भी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं. एंड नेक्स्ट जो मैं बहुत दिनों से यूज़ करती हूँ दिस टू कोस्टर्स, ये और एक है जैसे कप्स वगैरह रखने के लिए. तो ऐसे ही भी ऐसे ही उनके पास बहुत सारे 4 का या 2 का सेट्स बहुत अच्छे अच्छे कोस्टर्स के भी मिलते हैं. तो मुझे ऐसे इनोवेटिव सा ऐसे मतलब बहुत ही सुंदर इनोवेटिव वाला किचन का जो सामान रिलेटेड सामान खरीदना बहुत पसंद है एंड दैट्स व्हाई आई लव टू शॉप फ्रॉम डाइसो. सो नेक्स्ट आई लाइक टू बाई फ्रॉम डाइसो इज देयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. उन लोगों के पास वाइड रेंज ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है फ्रॉम योर लेदर सोफा टू योर वुडन फर्नीचर्स और फिर कैबिनेट. डिफरेंट टाइप ऑफ डी स्मेलर है लाइक फ्रेशनर फॉर योर किचन कैबिनेट फॉर योर शूज फॉर योर फ्रिज फॉर वॉश बाथरूम्स. वो तो वो सब चीज़ें मुझे खरीदना बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है जो कि नॉर्मल शॉप से बहुत ज़्यादा है और बहुत ही यूनिक सा वैरायटी है. तो मैं कल जब गई थी तो मैं ये फ्रिज के लिए लेके आई हूँ. फ्रिज के अंदर रखने से ये चारकोल के है तो कुछ भी बैड स्मेल्स वगैरह जो खाने के वगैरह के होते हैं तो वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये 1 month तक चल जाता है. सो इट्स क्वाइट गुड डील. Daiso is their pet and garden supplies. Like pets के लिए different type of bowls, खाना तो नहीं मिलता but different type of bowls जिसमें आप food serve कर सकते हो. उन लोगों के लिए खिलौने और भी बहुत बहुत cute cute चीज़ें मिल जाती है. वैसे हम लोग के पास pet तो नहीं है तो हम लोग मैं उतना explore नहीं करती हूँ pet section को but ये सारी चीज़ें मैंने देखा है और मुझे ये सारी बहुत अच्छी लगी. और गार्डन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है लाइक फॉल्स फेंस लेना है आपको, टब्स लेने हैं प्लांटिंग के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ शो पीसेस जो आप सजा सकते हैं अपने गार्डन में, तो वो सब कुछ मिल जाता है. दिस टाइप ऑफ बैग्स फ्रॉम देयर, सब देख सकते हैं कॉटन के बैग्स है और लाइक ये है बेसिकली फ्रिज में चीज़ें रखने के लिए. फ्रॉम द पिक्चर आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. फ्रिज में कुछ भी आपको रखना है, प्लास्टिक पैकेट में ना रख के क्योंकि वी आर ऑल ट्राइंग टू कट डाउन प्लास्टिक्स फ्रॉम आवर लाइफ. तो उससे बेटर है आप ऐसे कुछ कॉटन वाले बैग जिसके अंदर आप सारे वेजीज वगैरह रख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है. तो ऐसा मैं 2 लेके आई हूँ, दिस वन एंड सेम कलर दिस वन.
और एक्चुअली उन लोगों के पास था और भी बहुत सारे जूट के बैग्स भी थे वैसे तो, पोटैटोज और अनियन वो सब कुछ रखने के लिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है पोटैटो और अनियन रखने का जगह, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई। और जूट के बैग छोटे छोटे भी थे वेजेस रखने के लिए, लेकिन मैं अभी के लिए सिर्फ ये दो ही लेके आई हूँ, और ये दो मुझे बहुत ही पसंद आए, और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा है। और कैसे बंद कर सकते हैं, तो साइज़ वाइज ये काफ़ी अच्छी है। The next thing is they sell their different type of Japanese cosmetics products, which I am not sure how good are they, but actually they are selling for quite a long time, so I have no idea about those. But some of the things which I like, means I don't use their all makeup stuffs, but some of the things I have used and I like. The one thing is this makeup brush cleaner. This is again from Japan, something is written in Japanese language, but yes, it's quite good. And one more thing I have from there, and then I like this brush cleaning mats. I hope you can see this one. Yes, this is also from Daiso. I have seen actually brush cleaning जो mats होते हैं बहुत costly, मुझे कभी कभी कई कई जगह पर लगा है और होते भी है, but मुझे Daiso में ये बहुत सस्ते में मिल गया 5 ringgit 60 cent में, और ये काफ़ी अच्छा work करता है मेरे लिए जैसे मैं beginner हूँ, और इनमें different type of ऐसे patterns भी है, so आपके brush अच्छे से clean भी हो जाएंगे। तो और फिर और एक चीज़ है मुझे पसंद है, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर बैंड्स वो लोग जो सेल करते हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट टाइप के होते हैं, और मैं कल ये एक लेके आई हूँ। कोई भी पैक, फेस पैक लगाना हो, कुछ लगाना हो तब के या मेकअप करना हो, तो ऐसे बैंड लगा के उसके बाद करने से बाल ऐसे फेस पे आके नहीं गिरता है, तो ईजी होता है करने में। सो येस, दिस आर द नेक्स्ट थिंग्स। ऐसे बॉटल्स डिफरेंट काइंड ऑफ, ऐसे आप घर में यूज़ के लिए रख सकती है, 750 ml का है, इससे बड़ा भी है, 1.5 liter का भी मिलता है वहाँ पे। और आपको अगर कहीं पर ट्रैवल करना है, कुछ चीज़ें लेके जाना है, शैम्पू हो या फिर कंडीशनर क्रीम्स, तो वो सब कुछ कैरी करने के लिए भी डिफरेंट छोटे छोटे काइंड ऑफ बॉटल्स वहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से ईजिली आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग जो मुझे बहुत पसंद है, उन लोगों का छोटे छोटे क्यूट क्यूट शो पीसेस मिलते हैं बहुत सारे Daiso में, वो सब कुछ चीज़ें मुझे बहुत last but not the least and the most important thing is organizer. Thank you.
लिए आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइजर मिल जाएगा, चाहे वो आपके स्टेशनरी हो, किचन आइटम हो, कुछ भी हो, आपका ऑर्गेनाइजर वहाँ पे मिल जाएंगे। और मेरे पास है बहुत सारे, उसमें से मैं कुछ दिखाती हूँ। ये है फ्रूट रखने के लिए, मैं ये लेके आई, उसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ फ्रिज के अंदर, जो सारे फ्रूट्स रखने होते हैं तो उसको मैं इसमें डाल के रखती हूँ। एंड देन अनदर वन फ्रिज ऑर्गेनाइजर, आप सब देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुकी हूँ। एंड दिस कैन ऑर्गेनाइजर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कोई भी कैन रखना हो, जैसे कि इस फोटो में है, ऐसे आप कैन को इसके अंदर डाल के अरेंज करके रख सकते हैं। एंड देन कल मैं ये लेके आई हूँ एक ऑर्गेनाइजर, इसको मैं मे बी स्टेशनरी या ड्रेसिंग टेबल कहीं पे भी तो मैं यूज़ करूँगी। तो ये और एक ऑर्गेनाइजर, एंड जो मुझे सबसे फेवरेट है वो है ये बनाना रखने के लिए। तो बनाना अगर फ्रिज में रखूँ या बाहर ऐसे ही रख दूँ तो बहुत जल्द वो काला पड़ जाते हैं। बनाना एक्चुअली हैंग करने से ज़्यादा देर तक अच्छे रहते हैं। सो ये 5 रिंगगिट 90 सेंट में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही ये स्टडी है और बहुत अच्छे से ये चलता भी है। सो यस, सो ये था मेरे आज का वीडियो, मेरी टॉप 10 डाइसो प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर आप कभी भी डाइसो विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, आई गेस आप रिग्रेट नहीं करेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय।